हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने इसे रिलीज किया। इसमें कांग्रेस ने 7 पक्के वादे किए हैं, जिसमें महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा को बल, युवाओं के भविष्य, हर परिवार खुशहाल, गरीबों को छत, किसानों की समृद्धि और पिछड़ों को अधिकार शामिल है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर महिलाओं को हर महीने 2,000 रुपए देंगे, बुढ़ापा पेंशन बढ़ाकर 6,000 की जाएगी, MSP गारंटी कानून और 300 यूनिट तक फ्री बिजली दी जाएगी। इस दौरान हरियाणा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयबान, पूर्व CM भूपेंद्र हुड्डा और पूर्व विधायक गीता भुक्कल मौजूद रही। इस दौरान कुमारी सैजा और रणदीप सुरजेवाला भी शामिल नहीं। इस दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि 53 पन्नों का मैनिफेस्टो है, इसे पक्का निभाएंगे और आज हम हरियाणा कांग्रेस की ओर से 7 गारंटी अनाउंस कर रहे हैं। इन गारंटी को हम लागू करेंगे, इसलिए इनका नाम हमने 7 वादे पक्के इरादे रखा है। इस केंद्र सरकार के इशारे पर चलने वाला राज्य सरकार उसको बर्बाद किया और वहां पर आज नशे के बहुत केसेस हो रहे हैं, सुसाइड्स हो रहे हैं और यहाँ तक कि जो सबसे नंबर वन स्टेट माना जाता था हिंदुस्तान में, उसको अगर खराब करने में किसका हाथ है तो वो BJP सरकार का और खासकर मोदी जी जो हमेशा पीछे से चलता है। कभी कभी थोड़े दिन मैं रेलवे में मिनिस्टर था, ये इंजन दो लगाते हैं, एक आगे एक पीछे, आगे के लेके चलता है, अगर कहीं रुक गया है पीछे आना है तो डेमो इंजन लगती है, वो पीछे लेके भी जाता है। तो वैसा इनके पास डबल इंजन सरकार है, एक आगे लेके जाती है फिर बाद में दूसरा पीछे लाती है। तो ऐसी ये सरकार है, तो इनके साथ अगर जो इनके कमियां है उनको दूर करना है तो आज कांग्रेस पार्टी को मौका जनता देने के लिए तैयार है और वो मौका लेने का हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं के हाथ में है।